यस, ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। और माशाल्लाह जितने लोग हमें, बच्चे बड़े जितने लोग हमें टीवी पे देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को ईद मुबारक। माशाल्लाह ईद का दिन आता है, बहुत सारी खुशियां लाता है। एक मीठी ईद होती है और एक बकरा ईद होती है, एक ईद उल फितर होती है और एक ईद उल ईद उल अज़हा होती है। माशाल्लाह तो जी ईद का ये खूबसूरत मौका है। इस वक्त आप देख रहे हैं सारे बच्चे तैयार होके आए हैं। हेलो बच्चों, मुझे ये बताओ, ये लो पकड़ो माइक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? आप मुझे बताओ कौन सी ईद आपको अच्छी लगती है? बकरा ईद। बकरा ईद पसंद है छोटा बच्चा? हेलो बेबी। हेलो, क्या नाम है आपका? रीना फातिमा। अरे आप मुझे बताओ आपको कौन सी ईद ज्यादा अच्छी लगती है? बकरी ईद। मीठी ईद अच्छी नहीं लगती? इसमें ईद ही मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो भी अच्छी लगती है। अच्छा, बकरा ईद में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है? उसमें हम लोग गाय और बकरे लेते हैं। हाँ, और उसको लेके घूमते हो आप? जी। वेरी गुड। अच्छा, भाई को पीछे माइक दो। हाँ बेबी, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मेरा नाम है अब्दुल मनान अंसारी। इतना बड़ा नाम? यस। स्कूल की छुट्टी हो जाती होगी आपका नाम लेते लेते? तो स्कूल की छुट्टी है, स्कूल वैसे ही मानते। आपको घर वाले प्यार से क्या बुलाते हैं? अब्दुल रहमान बुलाते हैं। माशाल्लाह, अब्दुल रहमान। मीठी ही ज्यादा अच्छी लगती है बकरा ही ज्यादा? बकरा रहे थे तो बाबा ने बगला काटा था, तो मुझे उल्टी आ गई थी। क्या बात, छोटी बहन को दो। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, जब आप बहुत बड़ी हो जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे आप? यस। किस चीज की डॉक्टर बनेंगे? बकरों की डॉक्टर बनेंगे या इंसानों की डॉक्टर बनेंगे? इंसानों की। तो फिर बकरा ईद पे जब बकरा बीमार होगा तो फिर किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? किस डॉक्टर के पास जाएगा? गाय के डॉक्टर के पास। तालियां बजाओ भाई यूरम के लिए। भाई ये बच्ची इंटेलिजेंट है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। पोयम किसको आती है? हाँ जी, पीछे पीछे। चलो जी आप सुनाओ, मुझे पोयम सुनानी है। पोयम सुना दो। मैं मोटा सा बकरा हूँ। प्यारी सी पोयम। हाँ जी सुनाए। मैं मोटा सा बकरा हूँ, बकरे मेरी अम्मी है, मैं अम्मी का बेटा हूँ। मैं ईद जब आएगी बच्चे मुझसे खेलेंगे, शैम्पू से नहलाएंगे, रंगों से सजाएंगे, घास भी खूब खिलाएंगे, मेरे नाम भी रखे जाएंगे। कितनी अच्छी पोयम इन्होंने सुनाई। अब बैठिए बच्चों, अब मैं आपको एक डॉक्टर से मिलवाता हूँ, ठीक है? और एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाऊंगा जो कि क्या हो गया भाई? अंदर मेरा बदला लेना है। पहले ये बता, आपको किसने बंद कर दिया अंदर? मेरा बकरा खो गया है। बकरा? आपका बकरा खो गया? कैसे खो गया बकरा? पहले मेरा बकरा नहीं करा दिया। मुझे लग रहा है इनका बकरा नहीं खोया था, ये खुद खो गए। बहरहाल बकरे से मुझे याद आया कि हमारे पास एक बहुत, बकरे से याद नहीं आया, वैसे हमारा जो एक नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर MBBS। तालियां बजाएं। एक्सक्यूज मी, आप जानवरों के डॉक्टर हैं? क्यों, क्या तुम्हें अपना इलाज कराना है? नहीं, असल में मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप डॉक्टर हैं। हाँ, मैं ही जानवरों का डॉक्टर हूँ। अब तो कोई गधा भी कह सकता है कि आप ही डॉक्टर हैं। खैर है, तुमने कह दिया काफी है। कंपाउंडर! भाई, ये कंपाउंडर है? बताओ कि तुम कंपाउंडर क्यों हो? मैं कंपाउंडर इसलिए हूँ क्योंकि मैं कंपाउंडर लगाता हूँ और डॉक्टर साहब तो लगाते ही हैं। मैं इसलिए पाउडर नहीं लगाता क्योंकि मैं
इंजेक्शन लगाता हूँ, वो भी भैंस का। तुम्हारा मसला क्या है? डॉक्टर साहब, मेरी गाय घास खा ही नहीं रही है और इस टेंशन में मेरी भी भूख उड़ गई। अच्छा, ये दवाई लिख के दी है डॉक्टर साहब ने, तुम ले लेना, गाय भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरी गाय को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस दवाई से। हाँ, लेकिन मुझको भूख लगने लग गई है। तुमने उसे दवाई दी थी? क्या दवा उसको देनी थी? वो तो मैं खा गया। क्या तुम खा गए? अब तो ये हाल हो गया कि मैं खुद को वाटर नाइस गाय समझने लग गया हूँ। गाय? वाटर नाइस गाय? तो फिर इसी बात पे हो जाए। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं क्रिएटिव किड्स में ब्रेक के बाद।